नमस्कार, मैं हूं नीत सारा और आज हम कमिंग आउट प्लान बनाने के बारे में और जानेंगे। तो चलिए शुरू करें कमिंग आउट पार्ट टू। टू पीपल कमिंग आउट, तू मच चलती है माँ। मेरे को तुम्हारा इंस्टाग्राम स्टोरी वाला जेनरेशन ही अंडरस्टैंड नहीं होता। डू वन थिंग एट अ टाइम मामा। ओ नो आंटी, हम यहाँ फिर से कमिंग आउट के बारे में बात करने वाले हैं। कमिंग आउट द्वितीया। हाँ जी, लास्ट टाइम तो इतना समझाया तुम, उतना पूरा नहीं है क्या? पूरा तो कभी नहीं हो सकता आंटी। कमिंग आउट एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जितना प्लान करो, जितना बात करो, कम है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा कमिंग आउट पार्ट वन का एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और इनसे तो आप मिल ही चुके हो, हमारी पीजी की वार्डन कमला आंटी। नमस्कार, Myself Kamala Arsamma, the only past founder, director, CEO, CTO, CFO of Kamala Arsamma na PG. तो फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मेरे को मालूम है तुम्हारा बहुत सारा फ्रेंड्स मुझसे शादी करोगे गाने के एज में, तुम सबसे मुझसे दोस्ती करोगे गाती। इधर किसी को बुलाना नहीं है, पीजी का रूल मतलब रूल। हाय, दोस्ती में जो मजा है वो शादी में कहाँ आंटी। काश बॉलीवुड ये बात समझ पाता। वैसे मैं यहाँ किसी को बुलाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ मेरे कई सारे ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स हैं जिनको कमिंग आउट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कमिंग आउट मतलब कमिंग फॉरवर्ड टू डिस्क्लोज योर रियल आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने रखने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सोचें कि आप इस बारे में किसे बताएंगे। अयो शाहरुख को, हेलो शाहरुख खान, वो मल्लिका के साथ कैसे गाता ना, चाहिए चाहिए मेरा सैया। आंटी, सबसे पहले सिर्फ उन्हें ही बताना चाहिए जिन पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो हमारा सीक्रेट रख सकें। ऐसे लोगों का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, स्पेशली और लोगों को बताने के लिए। अगर आप अपने ऑफिस में खुलने के बारे में सोच रहे हो तो पहले अपनी ऑफिस के डाइवर्सिटी पॉलिसीज़ को जानने की कोशिश करें। और फिर अगला सवाल, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? HR, मैनेजर, बॉस या कोई भी साथ में काम करने वाला? ये ध्यान रखें, ऐसी न्यूज़ कभी कभी आग से भी ज़्यादा तेज़ फैलती है। अगर आप चाहते हो कि लोग इस बात को सीक्रेट रखें, तो उनसे इस बात को सीक्रेट बनाए रखने के लिए कहें। और उसके बावजूद अगर ये बात लीक हो जाए तो उसके लिए सरप्राइज नहीं, तैयार रहें। मेरे को शाहरुख पे पूरा ट्रस्ट, इतना तो मैं दीपा के पापा से भी नहीं करती जितना शाहरुख पे करती। हाँ, मर गया राहुल। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको सोचना है कि आप किस मीडियम या जरिए से उन्हें बताएंगे। लव लेटर लिख के। गुड आइडिया, आप इन पर्सन कह सकते हो, लेटर लिख सकते हो, चैट मैसेज या ईमेल के थ्रू भी डिस्क्लोज कर सकते हो। इन पर्सन आप सामने वाले के रिएक्शंस, डाउट्स और कंसर्न्स को ज़्यादा अच्छी तरह से परख पाओगे। पर अगर आपको अपनी सेफ्टी के बारे में कोई भी डाउट्स हैं, अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से कोई भी मीडियम चूज़ करें। जनरली एक हैंड रिटन लेटर ईमेल से बेहतर काम करता है और ईमेल एक टेक्स्ट मैसेज से बेहतर, पर आपको सावधान रहना होगा, ये सब चीज़ें आपके खिलाफ भी यूज़ की जा सकती है। तो इसीलिए सोच समझ के किसी भरोसे वाले इंसान को ही सबसे पहले बताएं।
और एक बात, सबसे जरूरी बात, आप कहना क्या चाहते हो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या और कितना कहना है। डू योर ओन रिसर्च एंड एनलाइटन योर सेल्फ अबाउट एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए खुद को ट्रांसजेंडर समझना या मानना भी मुश्किल हो सकता है। इट्स ओके, टेक योर टाइम, खुद से सवाल कीजिए और फिर जाके दूसरों को जवाब दीजिए। और चाहे तो पहले लिख लीजिए, राइट इट डाउन सो दैट इट्स ईजी फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ज्यादा डिटेल में ना बताएं। कीप इट सिंपल लाइक सारुक का डिंपल। सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ना बताएं। सारा यट्टीदा मतलब प्राण का चटनी एक बार में नहीं परोसने का। शांति और आराम से बताएं। ज्यादा जोश में नहीं आने का मतलब ज्यादा जोश में नहीं आने का। ज्यादा जोश में ना आए, बिना कोई उत्तेजना या गर्मा गर्मी के बताएं। हाँ, एकदम ठंडा ठंडा नारियल पानी टाइप्स। नेक्स्ट, कीप योर बैकअप प्लान रेडी। हाँ, मैं ऑलवेज रेडी। बाथरूम में एक बिनाइल काली तो दूसरा रेडी। करेक्ट। इन केस आपके सामने वाले आपके खुलासे को गलत ले या आपके नजरिए को समझ ना पाए तो कीप योर बैकअप प्लान रेडी। पास के कोई एलजीबीटी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फॉर्म करते चलें इन केस यू आर स्केयर्ड कि आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा है। जनरली इट्स अ वेरी गुड प्लान कि आप अपना कमिंग आउट प्लान किसी एलजीबीटी ऑर्गेनाइजेशन से पहले डिस्कस करें। ये याद रखें कि बैकअप प्लान कमिंग आउट से पहले किया जाता है, कमिंग आउट के बाद नहीं। सामने वाले का रिएक्शन पहले से सोच के रखें और उसके लिए तैयार रहें। क्यों, क्या करेगा वो सामने वाला पिंटो आंटी? सामने वाली पिंटो आंटी नहीं आंटी, जिससे आप खुलने वाले हो वो शख्स। क्यों, क्या करेगा वो शख्स? सरप्राइज हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, डर भी सकते हैं। अम्मा, हो सकता है उलझन में पड़ जाए या गुस्सा हो जाए या समझ न पाए कि क्या करे। मेरे को भी समझ में नहीं आता, जैसे भी दबाओ टूथपेस्ट के ट्यूब से वो कलर कलर टिप टिप कैसे निकलता। खुद को या खुद की परवरिश को दोष दे या फिर आपकी बात प्यार से समझ जाए, आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। खुद को खुश नसीब समझे कि आपने इतनी बड़ी बात बताने के लिए उन्हें चुना। Make sure there's plenty of time to talk. जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सारा टाइम लेके आराम से बात कीजिएगा और उन्हें भी समझने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए, अपना फीलिंग सिखाने के लिए और शायद रोने के लिए भी वक्त दीजिएगा। शायद वो पहले ना समझ पाए पर बाद में ज़रूर समझेंगे, जैसे आपने भी इसे धीरे धीरे ही समझा है। ये छोटा छोटा नारियल जैसा खोपड़ी में कितना अकल नहीं सरा। पॉजिटिव रहें, इस दुनिया के लिए तैयार बने और इस दुनिया को अपने लिए तैयार होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ये एकदम करेक्ट एंड सिंपल लाइक सारुक का डिंपल। अयो, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। ऐसे ही कई ट्रांजिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।